गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हिंदी की क्लास में करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज दो अक्षर के शब्द से बनने वाली। पहली एक्सरसाइज है हमारी चित्र पहचान कर शब्द लिखो। हमें कुछ चित्र दिए हुए हैं, उन्हें हमें पहचानना है कि ये क्या है और उन्हीं के शब्द हमें उसके सामने लिखने हैं। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी शब्द में मिलाओ। हमें दोनों साइड में कुछ शब्द दिए हुए हैं, सेम मैच करते हुए शब्दों को हमें मैचअप करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ देखेंगे ये किसकी पिक्चर है, टब। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, टब। टब हम कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, ट ब ट ब टब ट ब टब। नेक्स्ट है, क्या पिक्चर बनी हुई है, ये कप। क्या बनी हुई है, कप। तो हम कप कैसे लिखेंगे, क अ कप क प कप। नेक्स्ट है जग, ज ग जग ज ग जग। नल क्या है ये, नल। तो नल के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, न न ल नल न ल नल। ये क्या है, ईक ईक। ईक के लिए पहले ई ई ख ईक ई ख ईक। नेक्स्ट है आम। आम के लिए पहले क्या साउंड आ रहा है, आ। तो हम यहां लिखेंगे आ म आम आम आम। ईक ईक न ल नल। ज ग जग क प कप ट ब टब। तो ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की है जिसमें है चित्र पहचान कर शब्द लिखो। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज शब्द मिलाओ। इसमें हमें एक साइड में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसकी दूसरी साइड में भी कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें दोनों साइड में मैच करते हुए शब्दों को मिलाना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है घर घर। अब हमें इसके अपोजिट साइड में घर ढूंढना है। तो ये क्या लिखा है, ख त खत ह ल हल घ र घर। ये रहा घर, तो घर को घर से मैच कर दिया। नेक्स्ट है द स दस ख त खत हल हल। ये रहा द स दस, तो दस को दस से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है ख त खत, वो देखिए खत फर्स्ट नंबर पे है। ह ल हल, ये ऑलरेडी मैच्ड है, ये रहा ह ल हल, तो हल को हल से मैच कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट है र थ रथ, ये ऑलरेडी मैच्ड है तो इन्हें देखने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाले हैं दो, इन्हीं को चेक करेंगे। र थ रथ, फल फल, र थ रथ, तो इस रथ को इस रथ से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है फ ल फल, ये रहा फल, तो फल को फल से मैच कर देंगे। ठीक है,
तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, दोनों एक्सरसाइज में दो अक्षर के शब्द से बनने वाली एक्सरसाइजेस को किया है। इसमें हमने पिक्चर को देखा है, उसको आइडेंटिफाई किया है कि पिक्चर किसकी है और उन्हीं का शब्द सामने लिखा है। इसमें हमें समान शब्द मिलाए हैं। तो आपको ये एक्सरसाइजेस अच्छे से करनी है, समझ समझ के। बाय।